आप इसको जैसे ही फेस पे लगाएंगे आप तो आपका मेकअप तो फिक्स होगा ही होगा, लेकिन आपका मेकअप में इतना कोई ग्लिटरी वाला और इतना कोई ग्लोइंग इफेक्ट मेकअप लगे रहेगा, इससे आप के ऊपर आप जो बेस बनाओगे तो इसका अमेजिंग रिजल्ट है। इतने ज़्यादा सेटिंग स्प्रे मिलते हैं लेकिन जो शाइनिंग और ग्लोइंग इफेक्ट वाला स्प्रे है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि आप घर बैठे कैसे ग्लोइंग इफेक्ट और बेस बना सकते हो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको डिफरेंट बनाना सिखा रही हूँ और डिफरेंट कैसे बनाए जाते हैं, तो आज मैं आपसे ये वाला सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। जो प्रोडक्ट्स मैं आपसे दिखा रही हूँ आपको वही प्रोडक्ट इसमें ऐड करने हैं। एक आपको दो चाहिए, आपके पास लिक्विड फाउंडेशन होना चाहिए, लिक्विड आपके पास हाइलाइटर होने चाहिए। जैसे ये वाले मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आइकॉनिक के भी यूज़ कर सकते हो लेकिन ये अपटाउन वालों के मेरे पास हैं तो मैं वाले यूज़ करूँगी। हमें एक लिक्विड हाइलाइटर चाहिए और हमें उसकी पैलेट भी चाहिए जिसके नहीं पाउडर की फॉर्म में हाइलाइटर होते हैं। तो अभी हम ये वाले दो शेड आपको मैं शो करवा रही हूँ जिसमें लिक्विड हाइलाइटर ऐड होंगे। ये वाला एक पिंकिश की टोन में था, एक और सिल्वर की टोन में था, दोनों हमें चाहिए ये वाले। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो लेकिन ये प्रोफेशनल तरीके से दो ही ऐड होते हैं। तो हमें एक छोटा सा ना पेपर भी चाहिए होगा जिसमें हम सारे से क्रेश करके पाउडर ऐड करेंगे, और हमें एक ना खाली सी ना बॉटल भी चाहिए होगी जिसमें हम ये वाला सारा सेटिंग स्प्रे और हाइलाइटर इफेक्ट वाला स्प्रे बनाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो एक ना पैलेट चाहिए हाइलाइटर की जिससे हम ये वाले शेड को क्रेश करके इसमें ऐड करेंगे। जैसे वाला मैं थोड़ा गोल्डन की या थोड़ा आप जो भी कलर आपको पसंद है आपको वाला ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं आपको ये शो करवा रही हूँ, जैसे अगर आपके पास हाइलाइटर की पैलेट होगी तो उसमें ये वाला ज़रूर शेड होगा, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। गोल्डन की टच में अभी ऐड कर रही हूँ और सिल्वर वाला भी आप ऐड कर सकते हो। तो और जो भी आपके पास शेड्स हों आप सारे, और आपके पास अगर हाइलाइटर की पैलेट नहीं है तो आपके पास कोई सा भी मेटलिक शेड्स होते हैं ना आई शेडो पैलेट्स, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले सारे पैलेट्स आपने ऐड किए हैं, तो ये वाले सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहीं पे ऐड करके आपको दिखा शो करवा रही हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाले एक ना वाटर की ये वाला पानी की इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है जितना ये वाला मैं आपको शो कर रहा हूँ। इतना सा अगर हमें ज़्यादा क्वान्टिटी बनानी है तो हम ज़्यादा से पाउडर ऐड करेंगे, बस इतनी सी थोड़ा इसमें हमने वाटर ऐड किया है। अब हम इसमें ना थोड़ा से पाउडर की फॉर्म में ये वाले इसमें ऐड करेंगे। जैसे नहीं हम इस पेपर को रोल बना के इसमें ऐड करेंगे कि इजी तरीके से ये वाला सारी प्रोडक्ट्स में चली जाए, तो जितनी प्रोडक्ट हमें चाहिए हम पूरी सी प्रोडक्ट्स में ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करेंगे, इसका ना ये वाला आप बना के 15 दिन के लिए रख भी सकते हो, और अगर मेकअप बनाने से करने से पहले ये वाला आप सेटिंग स्प्रे भी कर सकते हो, एज ए प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हो। और अब इसको हमें थोड़ा अच्छे से इसको ना शेक करना है जिससे कि वाला सारे प्रोडक्ट्स मिक्स हो जाएं और अच्छे से एक ग्लोइंग इफेक्ट वाला ना स्प्रे बन जाए। अभी तो ये वाला रेडी हो गया है लेकिन अभी इसमें हमने क्या करना है, लिक्विड हाइलाइटर ऐड करने हैं जिससे इतना कोई ग्लोइंग इफेक्ट वाला और इतना कोई शिमर्स वाला और इतना कोई स्किन आपकी इतनी ग्लो कर रही होगी। जो भी आप मेकअप करोगे जो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे ऊपर कर देना है। तो हमने इसमें हाइलाइटर ऐड कर रहे हैं, जितनी फुल प्रोडक्ट्स हमें चाहिए हम वो वाला ऐड कर देंगे। आप बस मैं आपको शो करवा रहा हूँ, आप नहीं वाला ये इतनी क्वांटिटी आप ऐड करिएगा। जो थोड़ा सा ही वाटर मैंने लिया है क्योंकि अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो हम ज़्यादा के लिए, लेकिन हम 15 दिन के लिए बना रहे हैं तो हम 15 दिन के लिए इतना इनफ है। हम पिंकिश की और सिल्वर की दोनों में एक शेड ऐड करेंगे, इससे क्या होगा एक अच्छे सा ना आपका स्किन में ग्लो आएगा और एक फ्रेशनेस आएगी। ज़्यादा आप मेकअप देर तक लॉन्ग लास्टिंग आपको रखना है, अगर आप कर रहे हो अगर पार्टी में भी जा रहे हो तो आप ये सेटिंग स्प्रे साथ लेके जाओ। बस जैसे आपका मेकअप किया उसके ऊपर आप सेटिंग स्प्रे कर सकते हो जिससे आपका इतना कोई स्किन में थोड़ा टचअप भी हो जाएगा और स्किन में एक ग्लोइंग इफेक्ट वाला फेस वो इस ग्लोइंग इफेक्ट बन जाएगी। पहले बना हुआ होगा फेस, आपने पूरा मेकअप तो किया हुआ है लेकिन ऊपर इसके अगर आपको कहीं से भी ना मेकअप लग रहा है कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए तो आप ये वाला स्प्रे कर सकते हो जिससे इतना कोई अमेजिंग रिजल्ट आता है और इतना कोई स्किन ग्लो कर रही होती है। वह देखो कितना शिमर्स वाला और कितना प्यारा सा स्प्रे बन गया है। ये सेटिंग स्प्रे भी है एज ए प्राइमर भी बेस इस्तेमाल इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सा बेस है और ये बेस के ऊपर भी लगा सकते हो और बेस के पहले स्किन की एक लेयर लगा आपको ना मॉइस्चराइज़र के बाद आपकी वाली सेटिंग
हीलिंग स्प्रे लगाओ। जैसे आप अभी मेरे स्किन पे कुछ भी लगाया नहीं है, जैसे मैं आपको शो करवा रही हूँ, देखो स्किन में लगाने से बाद कितना इसके ग्लोइंग इफेक्ट वाला और कितना इसका स्किन शाइन शाइन कर रही है। अभी तक कुछ भी ज़्यादा लगाया नहीं, जस्ट ये वाला मैंने लगाया तो स्किन इतनी ग्लोइंग इफेक्ट वाली और इतना स्किन ग्लो ग्लो कर रही है। बस आप ये वाला मेकअप से पहले ज़रूर सेटिंग स्प्रे यूज़ करिएगा और मेकअप के बाद भी आपको करिए। मैं आपको बताती हूँ कि बेस के ऊपर आप कैसे लगाते हो, ये वाला पहले बेस से नीचे लगाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ना मेकअप के या बेस के ऊपर आप कैसे लगा सकते हो। जैसे आपने पहले स्किन को प्रिपेयर किया, मॉइस्चराइज़र किया, देन इसके बाद आपने प्राइमर किया या आपने सेटिंग स्प्रे कर लिया। जैसे मैं आपको ना अपनी स्किन पे लगा, पहले हमने सेटिंग स्प्रे किया हुआ है तो हम इसके ऊपर अब क्या लगाएंगे, फाउंडेशन की बेस या दो भी लिक्विड फाउंडेशन आप वो वाला लगा सकते हो। यहाँ पे जो मैं मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ बेज नंबर 1 में, और हमें एक ना डॉट डॉट लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी सी ब्लेंडिंग करनी है। जैसे वैसे आपको पता है फाउंडेशन को और बेस लगाने को कैसे तरीके इसके इसकी वीडियोज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा पहले शेयर की हुई है, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी सी ब्लेंडिंग करके स्किन में पूरा एब्जॉर्ब करवा लेंगे। जैसे जब ये स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, अभी देखो कुछ इसके नीचे हमने एक हाइलाइटर स्प्रे किया हुआ है, देखो स्किन कितना बेस ये वाला ना स्किन वो ग्लोइंग इफेक्ट वाला और ग्लिटरी वाला फील हो रहा है। स्किन बिल्कुल भी पेची पेची फील नहीं हो रहा है और एक ना स्मूथ और इतना फिनिशिंग लुक वाला बेस बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको शेक करके ऊपर लगाएंगे, बेस के ऊपर लगाएंगे। अभी आपने कुछ भी नहीं लगाना, जैसे ऊपर बेस लगा के ऊपर ये वाला सेटिंग स्प्रे लगाना है, जिससे आपका बेस क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और इतना कहीं से इतनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी स्किन से हटेगा नहीं और इतना ग्लोइंग इफेक्ट वाला इसका रिजल्ट आएगा। जब आप ये सेटिंग स्प्रे लगा के कहीं पे भी जाओगे तो आपका स्किन खुद ही आपको इस फील हो रहा होगा कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट में जा रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि आप सेटिंग स्प्रे घर पे कैसे बना सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।